आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के आउटर रिंग रोड फलसवा रेड लाइट के पास पलटी आरटीवी बस, तेज रफ्तार बस पलटने से कई लोग हुए घायल। घायलों को नजदीकी बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस पूरे मामले की जांच और हादसे की वजह से लगे जाम को खुलवाने में जुटी। राजधानी दिल्ली के मुकरबा चौक से फलसवा डेरी रेड लाइट के बीच एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 से 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मुकरबा चौक की तरफ से आने वाली आरटीवी बस जैसे ही मुकरबा चौक पार करके फलसवा रेड लाइट के पास पहुंची तो वह नियंत्रण खो बैठी और बस पलट गई, जिसमें यात्री बैठे हुए थे। बस के पलटने से जो लोग अंदर बैठे थे वह घायल हो गए। मौके पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी और दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन खड़ी थी, उससे मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाई और पलटी हुई बस की खिड़की का शीशा तोड़ करके यात्रियों को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। करीब 3 से 4 यात्रियों को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली की सड़कों पर आरटीबी बसें कई बार बेलगाम होते हुए दिखाई दे चुकी हैं। गलत तरीके से आरटीबी बस चलाते हैं, कई बार इनकी चपेट में आकर लोग हादसे का शिकार होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नियंत्रण खोके बस क्षतिग्रस्त हुई है और इसमें बैठे यात्रियों को भी नुकसान आ चुका है। जिस बस का आज एक्सीडेंट हुआ वो पीरागढ़ी से नथुपुरा रूट की आरटीबी बस है, और जब ये बस रेड लाइट के पास पहुंचने वाली थी तभी फुट ओवर ब्रिज के पास अचानक ब्रेक मारा और बस पलट गई। हादसे में घायल हुए लोगों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक युवती को गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि अनियंत्रित तरीके से लगातार दिल्ली की सड़कों पर चलाई जा रही आरटीबी बसों पर यातायात पुलिस सख्ती बरते और नियमित तरीके से इनकी स्पीड और ड्राइविंग पर भी कार्रवाई की जाए। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू राठी। क्या क्या हुआ भाई साहब? यहाँ पे जो गाड़ी आ रही थी, यहाँ पे स्टाफ पुलिस स्टाफ भी था, टीआई साहब भी खड़े थे सब। वो जैसे एक सवारी बोली पीरपेड पे उतार दे, ये उतारने लगे तो ये 30-40 की स्पीड पे ये गाड़ी होगी। तो जैसे इन हड़के, कार वाला आया बराबर से, कार वाले ने कैमरे देख के ब्रेक मारे, इसने हड़के ब्रेक मारे तो एकदम से पलट गई। पुलिस वालों ने बहुत बहुत बढ़िया साथ दिया, सब 17-18 सवारी होगी वो बाहर निकाल ली, शीशे तोड़ गए। एक लड़के के थोड़ा सा कांच लगा और किसी का चोट नहीं लगी। किसी को गंभीर चोट? नहीं नहीं, किसी को नहीं लगी। क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार। विजय कुमार जी, क्या हादसा हुआ है? गाड़ी देखी तो पलट दी, बताया गया कि आगे कार जा रही थी, ये जैसे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं ना स्पीड के जी। तो ये कार वाले देख लेते कि स्पीड के कैमरे, ये एकदम ब्रेक ले लेते हैं, और जैसे उसने ब्रेक ली है और ये गाड़ी वैसे 30-40 पे आ रही थी, ये उसके साथ पलट गई। कितनी सवारी है? कितनी सवारी होंगी इसमें? 17-18 थी। तो कितनों को चोट लगी है? ये थोड़े बहुत मामूली है, एक दो बंदों के और एक लड़की के लगे। कंच लगा, वो भी पब्लिक ने उन्हें बाहर निकालने के लिए शीशे तोड़ दिए, और जो यहाँ पे 3-व्हीलर वाले थे ड्राइवर भाई, इन्होंने एकदम बिल्कुल मदद करी इन लोगों को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।